हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सर। बेटा आई एम हियर टू एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज रूल। इट मींस व्हेन द ईआईसी स्टार्टेड वर्किंग इन इंडिया, हाउ दे एक्सपेंस द एक्सपेंड देयर रूल। ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन हाउ दे केम इनटू एक्ट with the help of some close friends of the nawabs, okay? उन्होंने फूट डालो और राज करो की जो नीति लगाई थी उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा। Today I am here to describe you what was the condition and how they expanded their rules, their company rule and established in India. So start from your book, open page number 17 of history book. EIC few territories were annexed directly by launching military attacks. यानी कि EIC ने direct जो है military attack किया और कुछ राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। उससे पहले उन्होंने क्या किया, appointing residents, उन्होंने residents को appoint किया यानी अपने कार्यकर्ताओं को अपॉइंट किया ऊंचे पदों पे, ठीक है। और नेक्स्ट है सब्सिडियरी अलायंसेस। सब्सिडियरी अलायंसेस इट मींस उन्होंने क्या किया कि यहां पे संधियां की। सब्सिडियरी मींस संधियां। सो मोस्ट ऑक्युपाइड यूजिंग पॉलिटिकल वेरियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज बाय द गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि कुछ तो उन्होंने जो है डायरेक्टली मिलिट्री अटैक जीत लिया और कुछ को उन्होंने पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, ठीक है, तरीके से गवर्नर जनरल ने यहां पे उसको कब्जे में लिया। ओके बेटा, सो आफ्टर कंसोलिडेटिंग इट्स पावर विच रिच रिवेन्यू फ्रॉम द थ्री वेल्दी प्रोविंसेस, द प्रोविंसेस वेयर बंगाल बिहार एंड ओडिशा। ओके, तो इन तीनों को जीतने के बाद उन्होंने इंडियन प्रोविंसेस में यानी कि भारत के प्रांतों में अपना वर्क शुरू किया। ऑल अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वेयर नॉट पावरफुल एनफ टू चैलेंज कंपनीज एम्बिशंस। और जो यूरोप की यानी कि भारत से बाहर की कंपनीज थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, ठीक है। So let us know more about this with these topics. First topic is appointing residents, यानी कि residents को appoint करके इन्होंने कैसे भारत को अपने control में लिया। Okay, so start students. Company wanted to keep a check of activity of the Indian rulers, so as to promote their own policies and commercial act in Indian states. यानी कि भारत के राज्यों में अपने नियमों को लागू करने के लिए, ठीक है, अपने कानून को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां पे रेजिडेंट्स पोस्ट किए। यानी वो कार्यकर्ता जो यहां के पूरे कार्यकाल को देख के समझ के ऊपर तक पहुंचाए, ठीक है। Discussing the role of act, role that the residents play in Indian states, यानी कि अगर हम बात करें कि इन लोगों का रेजिडेंट जो थे इनके यहाँ पे कार्य का थे इंडियन स्टेट में, जेम्स बिल ने बताया है। जेम्स बिल, ओके, जेम्स बिल ने क्या बताया, वी प्लेस अ रेजिडेंस, हमने एक रेजिडेंट प्लेस किया, ठीक है, हु रियली इज द किंग ऑफ द कंट्री। और वो केवल रेजिडेंट नहीं था, वो किंग ऑफ द कंट्री था, यानी देश का राजा था, ठीक है। एज लॉन्ग एज द प्रिंस डस व्हाट द एग्रीबल टू द रेजिडेंट्स, यानी कि राजाओं को या प्रिंस को राजकुमार को वही चीजें करनी होती थी जो रेजिडेंट को एक्सेप्टेबल थी। अगर वो मना कर देगा कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं। ओके, सो इन्होंने पहला काम क्या किया, अपॉइंटिंग रेजिडेंट। यहां
रेजिडेंट अपॉइंट करने के बाद इन्होंने भारत की शक्ति को क्या कर दिया, कम कर दिया, या बोलिए तो समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सिडियरी अलायंसेस। अब इसकी हिंदी होती है सहायक संधियां। अब सहायक संधियां आप वर्ड समझ सकते हैं, सहायक ऐसी संधि हुई, संधि समझते हैं, संधि मीन्स मेल, ठीक है, यानी एक ऐसी संधि हुई, बोला गया कि आप हमें यहां पे व्यापार करने दें और हम आपको मिलिट्रीज में हेल्प करेंगे। सो बेटा सी इन दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक। अनदर स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी टू एनेक्स द इंडियन स्टेट वाज फोर्सिंग द स्टेट टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंसेस। इसमें राजाओं को या स्टेट को फोर्स किया जाता था कि आप हमारी अलायंस को एक्सेप्ट करिए, हमारी संधि को आप मानिए, ठीक है। एज पर दिस अलायंस यानी इस नियम के अनुसार द रूलर्स यानी वो राजा जो वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन मिलिट्री, यानी राजाओं के पास अपनी खुद की मिलिट्री नहीं होती थी, ठीक है। आपने अगर अलायंस मान लिया, अगर संधि में आपने जो एग्री कर लिया, तो आपके पास खुद की मिलिट्री नहीं होती। ओके, देयर टेरिटरीज वेयर प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस दैट वेयर डिप्लॉयड इन देयर टेरिटरी। देखिए अब जो बोला गया कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई सैनिक टुकड़ी नहीं है तो हमारे प्रदेश की रक्षा कौन करेगा, तो उसके लिए जो है अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने अपनी सैनिक टुकड़ी वहां पे प्लेस की, ले रहे हैं। अब उस सैनिक टुकड़ी को प्लेस करने का मतलब सैनिक टुकड़ी का जो भी खर्च आएगा कौन देगा, डैट की। ओके, सो द टर्म्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस वेयर वेरी हार्श, ये बहुत हरास थे, ठीक है, हरास समझते हो आप लोग, परेशान करने वाले, तंग करने वाले, सो मच सो दैट द स्टेट्स साइनिंग द अलायंस वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। वो स्टेट जो भी इस अलायंस को साइन करता था यानी एक्सेप्ट करता था, एग्री करता था, उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती थी, ठीक है, उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती थी। सो रिचर्ड वेलेसली, ठीक है, वेलेसली जो उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये अलायंसेस लगाई थी, इसको हिंदी में वेलेसली की सहायक संधियाँ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रिचर्ड वेलेसली ने 1798 से 1805 तक यानी कि 1798 to 1805 इतने साल तक यानी कि 5 से 7 साल तक इन्होंने यहाँ पे वर्क किया, ठीक है। साइन हिज सब्सिडियरी विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने इस अलायंस में निज़ाम ऑफ हैदराबाद को समेटा, ठीक है। इसके बाद नवाब अवध, अवध के नवाब को भी उन्होंने इस अलायंस के अंतर्गत अपने साथ मिलाया, ठीक है। तंजौर, सूरत और कर्नाटक के राज्यों को अपने राज्य में यानी कि ईईआईसी के कार्यक्षेत्र में मिला दिया, ठीक है। एज पर द अलायंसेस द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ सब्सिडियरी, अगर जो अलायंस हुआ है, जो संधि हुई है, उसके हिसाब से अगर राजा अपने एक्सेप्टेबल वैल्यू को, जो नेक्स्ट कहते हैं मैं इसको पे करूंगा, वो पे नहीं कर पाते थे, देन द कंपनी टू कवर ए पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी एज पेनल्टी। तो राजा के जो क्षेत्र थे उसके कुछ पार्ट को, कुछ भागों को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। ओके, अ ब्रिटिश राइटर गोज टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनी एंड सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस विथ, यानी एक ब्रिटिश राइटर ने इसके बारे में बताया है, अ सिस्टम ऑफ फैटर्निंग अलाइज एज वी फैटर्न ओपन टिल दे आर वर्दी ऑफ बीइंग डिवॉर्ड, यानी कि ये जो अलायंस ऐसी थी, ये संधि ऐसी थी कि जब तक हम उन्हें पूरा खत्म नहीं कर देते, ठीक है, तब तक ये संधि उनके ऊपर लाद के रखती थी, ठीक। सो बेटा दैट इज नोन एज सब्सिडियरी अलायंसेस, और इसी में जो है सहायक संधियों में कई सारे विद्रोह हुए, कई सारी लड़ाइयां हुई, और इसमें एक लास्ट टॉपिक जो बच रहा है आपका, ये रहेगा द मिलिट्री अटैक।
ठीक है। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है द मिलिट्री अटैक, यानी कि वो क्षेत्र जो अंग्रेजों की मिलिट्री ने डायरेक्टली अटैक से जीता, इज इट क्लियर? दैट प्लेसेस दैट रीजंस दैट वेयर वन बाय द ईईआईसी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन बाय फोर्स, ओके, यानी अपने दम पे अपने ताकत से, सो विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री अटैक। सो सी फ्रॉम द बुक सम हिंट्स, कंपनी एंगेज टू डायरेक्ट मिलिट्री विद द इंडियन रूलर्स ओनली वेन इट फेल्ड इन द ट्रीट टू द इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इंटरेस्ट। देखिए डायरेक्ट अटैक तभी होते थे जब इकोनॉमिक या पोलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक या पोलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक बेटा, होते थे वहां पर, या तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा या पॉलिटिकल। मैंने आप लोगों को बोला कि या आप खुद ही जानते हैं कि लड़ाई कब होती है, जब आपको बोला गया या अपने आप रेजिडेंट रखवा लीजिए, डन कर दिया, ठीक है। रेजिडेंट रखने के बाद अगर राजा इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करता है तो वो कर नहीं पाएगा, क्लियर? टॉपिक वन क्लियर। जैसे ही आपने रेजिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किया, राजा को जो भी करना होगा रेजिडेंट से पूछेगा, उसके बाद ही करेगा, दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ ऐसे थे जो सबसे डिले लाइसेंस में बन गए, यानी जिनको सहायक संधियां करवा दी गई कि आप अपनी मिलिट्री नहीं रखेंगे, ठीक है, आप अपनी मिलिट्री नहीं रखेंगे और जो कुछ भी करना है वो हमारे रेजिडेंट की देखरेख में होंगी। और इसके बाद जो तो थर्ड बचा है वो, अगर जो लोग इन चीजों को नहीं मानते उनको डायरेक्ट मिलिट्री अटैक से अपने कब से। Okay students, that is all for today. In the next video, I am going to explain you Anglo-Mysore Wars and Anglo-Maratha Wars. यानी कि Anglo-Mysore युद्ध और Anglo-Maratha युद्ध. Okay? I think this video will be tomorrow. Okay? So till then, have a nice day and keep watching the channel. Okay? Your views are there. How many students are watching the channel? I can see there. And very sorry to say that there are only 20 students who are watching continuously, okay? So I request you to see the channel continuously and get the important facts from the video. That's all for today. Thanks for watching the video. Have a nice day.